हरियाणा के यमुनानगर में कांवड़ियों ने बीच सड़क पर एक कार में तोड़फोड़ करने के बाद उसे आग के हवाले कर दिया। आरोप है कि तेज रफ्तार कार ने वहां से गुजर रहे चार कांवड़ियों को टक्कर मार दी और हादसे के बाद कार का ड्राइवर फरार हो गया, जिससे गुस्साए कांवड़ियों ने मिलकर कार को घेर लिया और उस पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। इस दौरान कुछ लोग कार के दरवाजे को भी तोड़ने की कोशिश करते दिखाई दिए, जबकि बाकी लोग उस पर लगातार डंडे बरसाते रहे। इस हंगामे की जानकारी मिलने पर पुलिस वाले वहां पहुंचे और कार में तोड़फोड़ कर रहे कांवड़ियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ के आगे उनकी एक नहीं चली। कोई कार के बोनेट पर चढ़कर तो कोई उसके पीछे पहुंचकर डंडे बरसाता नजर आया। इसके बाद वो लोग कार को धकेलते हुए सड़क के बीचों बीच ले आए और उसे आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते आग कार के बड़े गोले में तब्दील हो गई। बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर कार में लगी आग को बुझाया, लेकिन कार में आग लगाने के बाद भी कांवड़ियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने यमुनानगर कुरुक्षेत्र हाईवे को जाम कर दिया और वो अपनी गाड़ी को सड़क पर खड़ी कर वहीं धरने पर बैठ गए। उन्होंने हरियाणा सरकार पर कांवड़ियों की यात्रा के लिए जरूरी इंतजाम नहीं करने का आरोप लगाया और नारेबाजी शुरू कर दी। बवाल बढ़ता देख पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और कांवड़ियों को शांत कराने की कोशिश में जुट गए। एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें चार लोगों को इंजरी हुई थी, उसके बाद रोड जाम हुआ था, सिचुएशन कंट्रोल में है। वहीं आरोपी कार ड्राइवर पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा मिलने के बाद कांवड़ियों ने धरना खत्म किया और वहां से आगे के लिए रवाना हो गए। इस बीच उत्तर प्रदेश के दो जिलों से कांवड़ यात्रा के दौरान माहौल बिगाड़ने के आरोप में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। पहला मामला बिजनौर जिले का है और दूसरा बागपत का। बिजनौर में मामले ने तब तूल पकड़ा जब पीर बाबा की मजार में तोड़फोड़ की गई और मजार के बाहर जली हुई चादरें नजर आईं। इलाके के लोगों को वहां एक शख्स मिला जिस पर भेष बदलकर मजार में घुसने और वहां तोड़फोड़ करने का आरोप लगा। इसकी वजह पूछने पर उसने लोगों से बहस भी की, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बिजनौर की मजार में तोड़फोड़ करने के आरोप में दो भाइयों आदिल और कमाल को पकड़ा, जिन पर माहौल बिगाड़ने के लिए भेष बदलकर मजार में घुसने और फिर वहां चादरें जलाने का आरोप लगा। बिजनौर की पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मोहम्मद कमाल और मोहम्मद आदिल ये दो भाई हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है। दोनों आरोपियों पर बिजनौर की एक नहीं बल्कि तीन मजारों में ऐसी ही हरकत करने का आरोप लगा और पुलिस को शक है कि उन्होंने ऐसा माहौल बिगाड़ने के लिए किया और जानबूझकर कांवड़ यात्रा का वक्त चुना। बिजनौर के अलावा बागपत में भी इस आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, जिस पर भेष बदलकर कांवड़ियों की लाइन में लगने और मंदिर के गर्भगृह तक जाने का आरोप लगा। सुहेल नाम के इस शख्स को मंदिर के सेवादारों ने पकड़ा। उन्होंने जब उसकी वेशभूषा पर सवाल पूछा तो वो गोलमोल जवाब देने लगा। सुहेल खान के गले में रुद्राक्ष माला क्यों? और तुम ये रुद्राक्ष ले लो और चप्पल हाथ में, ये सर्दी रुद्राक्ष तो बड़ी है, वो क्या है, बेगम प्राकृतिक कम होती है। बागपत और बिजनौर से कुछ लोगों की गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ जारी है, लेकिन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को शक है कि ये सब कांवड़ यात्रा के दौरान सौहार्द बिगाड़ने के लिए किया गया। इसकर जब कांवड़ की का मेला और कांवड़ का रस सबसे ज़्यादा चल रहा है, उस समय इस तरह की घटना कारित करा के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। सावन के पूरे महीने और उसके बाद आने वाले मुहर्रम के त्यौहार को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट है और पूरे प्रदेश में शांति के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। उधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नए रूट से कांवड़ यात्रा निकालने का विरोध करने पर बवाल हो गया। कांवड़ यात्रा के विरोध का आरोप मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों पर लगा। यह घटना तब हुई जब वहां के इब्राहिमपुर मिर्जा गांव से कांवड़िए एक मंदिर की तरफ जा रहे थे और आरोप है कि तभी गांव के ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कांवड़ियों का रास्ता रोकने के लिए सड़क पर चारपाई लगा दी। आरोप यह भी लगाया गया कि मुस्लिम समुदाय के लोग कांवड़ियों को वापस जाने के लिए कहने लगे, जिसकी वजह से वहां हंगामा शुरू हो गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क पर चारपाई के साथ कई महिलाएं और बच्चे खड़े दिखाई दिए। कुछ लोग सड़क पर कुर्सी लगाकर बैठे नजर आए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के कई बड़े अधिकारी वहां पहुंचकर विरोध कर रहे लोगों को समझाने में जुट गए। मैं 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद तब बात करूंगा जब आपका ये सब मजमा फालतू का है, यहां से हट जाए। काफी देर तक मुस्लिम समुदाय के लोगों को समझाने की कोशिश चलती रही, हालांकि बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया गया। इसके बाद खुद पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारियों ने खड़े होकर उस गांव से कांवड़ यात्रा को आगे बढ़ाया।